wife. Which one? Shyam Prabhu's. Oh, where is he? He's in the kitchen. जय श्री गोविंद गदाधारी श्री श्री राम बिहारी युगी जय जय श्री श्री गोविंद गोपीना मदन मोहन युगी जय जय नितला कृष्ण कृष्णपाद स्तूत्र सगुण भक्ति वेदांत शिल नारायण कृष्ण महाराण कृष्ण श्री नारायण कृष्ण पान जय हरिनाम संकीर्तन जय श्री गौर भक्त गौर प्रेमानंदी हरि हरि ओम अज्ञान विराम ज्ञानांजन सलाकय चक्षुर्मीक तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचंद्राय राधिकावीतदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वंशागुरुस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरतिसे हे कृष्ण कृपणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश पतितः कंत राधा कंत नमस्ते तप्त कांचन राधे वृषभानुसृते देवी प्रणमामि ॐ वृंदावने तुलसी केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 तिरुभाव तिथि हम से मना रहे हैं उनकी अपराधी का जीवन शरीर का हम स्मरण कर रहे हैं। यह रायगढ़ उड़ीसा जिसमें जगन्नाथपुरी में हमने प्रकट किए थे भगवान के पांच पुत्र में विशेष रायमंद की विशेष नाम पंचपुत्र संगना चे राय रवान राय भगवान रायमंद महाप्रभु लीला में तो रायमंद के फिर बहुत देश दीपिका में कवि कर्णपुर विशाखा देवी के रूप में ही
अर्थात राधा कृष्ण बांधेंगे हमेशा खा रहे हैं। सर्वज्ञान ललिता सिंह के रूप में कहा गया है। महाप्रभु के सारे तीन अंतरंग भक्तों में राघवेंद्र के नाम विशेष रूप में बताया गया शास्त्र में। सर्वदामोदर राघवेंद्र सिक्किमाई थी और माधवी देवी राघवेंद्र सर्वदामोदर और सिक्किमाई थी पूर्ण रूप से लेकर तीन लिया गया और माधवी देवी की आधे रूप में इसलिए कहते हैं महाप्रभु साढ़े तीन हजार यह महाप्रभु स्वयं ही राघवेंद्र के बारे में भी वर्णन किया अपने मुखार विंद से। ये राघवेंद्र कैसे मुक्त पुरुष महापुरुष है। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी महाप्रभु के पास आए हरिकथा सुनने के लिए और महाप्रभु ने क्या हमें जब तक जानी नहीं जाने राय रामानंद मैं जितना जानते उससे अधिक राय रामानंद जानते हैं इसलिए तुम जाओ राय रामानंद से ही सुन सको। देखो प्रद्युम्न मिश्र जब आए उस समय प्रद्युम्न मिश्र जब आए तब राय रामानंद गृह में नहीं थे। उस समय के समय बैठने पर सेवक ने पूछा ये राघवेंद्र कहाँ है तो सेवक राघवेंद्र के सेवक आपको बोले ये राघवेंद्र जो है निर्भीत स्थान पर है एकांत सलिटरी प्लेस है निर्भीत स्थान पर उन्होंने अपने सरचित जगन्नाथ बल्लभ नाटक के जो है अभिनय सिखाने के लिए सुंदर सुंदर युवती के साथ जो है वो है इस कथा को सुनकर के पद्म मिश्र के मन थोड़ा बहुत खट्टा हो गया क्योंकि राघवेंद्र ऐसे जो है उनकी युवती के साथ रहने पर उनके कभी मन विकार नहीं होते। यहाँ पर चैतन्य चैतन्य कृष्णदास कविराज ही वर्णन कर रहे हैं क्योंकि गुप्त अंग को हार देने पर भी उनके चित्र में कोई विकार नहीं है। रामानंद ऐसे देव महापुरुष महापुरुष पहने लगे अन्य का कथा मैं सन्यास है और दारू प्रकृति भी देखे मेरा मन ही विचलित है। देखो रामानंद कैसे है महापुरुष स्वयं का चेतन चेता मंत्र में वर्णन हो रहा है तो प्रद्युम्न भूमि लोप करके आगे महाप्रभु ने कहा क्या उनसे हरि कथा तुमने श्रवण किया उन्होंने कहने लगे कुछ नहीं बोले। महाप्रभु ने जाओ काल जाकर के उनसे सुना बोलना ये महाप्रभु मुझे भेजे हैं आपके मुखार मुझे हरि कथा श्रवण करने के लिए। दूसरे दिन प्रद्युम्न मिश्र आए राघवेंद्र के गृह में और राघवेंद्र स्वयं प्रद्युम्न मिश्र के जो है आसन दिया बैठे और उनके सादर बर्तन करके बहुत आदर करके बैठाया और प्रद्युम्न मिश्र जो बोले ये महाप्रभु मुझे भेजे हैं आपको मुखार मुझे हरि कथा श्रवण करने के। उस समय राघवेंद्र बहुत प्रसन्न होकर के सारे भागवत की विरह की कथा श्रवण कराया भ्रमर गीत वेणु गीत जुगल गीत गोपी गीत ये सब कथा श्रवण कर और उसके श्रवण करके प्रद्युम्न मिश्र बहुत प्रसन्न हो गए। ये राघवेंद्र कैसे तो इसी प्रकार महाप्रभु एक एक भक्त के द्वारा एक एक शिक्षा जगत में प्रकट कराया है। छोटा हरिदास के द्वारा जगत में भी शिक्षा दी है और राघवेंद्र के द्वारा दूसरी शिक्षा
है उस दिन कहा था ना। देखो महापुरुष उनके घर में प्रसाद ग्रहण करेंगे, महापुरुष के घर में भगवान दास के घर, वो भी महापुरुष के प्रिय पात्र भी थे भगवान दास। और महापुरुष दुपहर के जब आए तो उनके घर में जो है घर में सूक्ष्म चावल नहीं था, सूक्ष्म चावल समझते हो, अच्छा चावल जो बासमती चावल जैसे महापुरुष। और उन्होंने कहा जाओ माधवी देवी के घर से लेकर के आओ, माधवी देवी तो महापुरुष की साढ़े तीन में तो है ही भक्त, और भी माधवी देवी कैसे थे बहुत वृद्धा 80 साल की जिनके बाल सफेद हो और रसिक भी है महापुरुष के अंतरंग पार्षद में भी मनाया जाता है साढ़े तीन का आधा मंडल। देखो छोटे हरिदास लेकर के आया भोग लग चावल लेकर के आया, भगवान दास ने भोग लगाया महाप्रभु के प्रसाद दिया और महाप्रभु पूछने लगे चावल कहाँ से, कहते माधवी देवी के घर से है। महाप्रभु ने पूछा किसने लाया, छोटा हरिदास। बस महाप्रभु इतने नाम सुनते ही बस महाप्रभु क्या हो गया प्रसाद की वर्णन तो किया, प्रसाद करने के बाद बोले छोटे दास छोटा हरिदास के हमारे पास आने की माना दार माना करो। देखो दोष क्या था, सारे भक्त लोग इतने मनाने लगे है तो महापुरुष मने। अच्छा यहाँ पर भी विचार के विषय यदि छोटा हरिदास नहीं जाते है वैष्णव के आदेश पालन नहीं करने से जो अपराध लगते लाया तो कौन सा है। उन्होंने भगवान दास ने बोला था उनको जाने के लिए अपनी इच्छा से वो नहीं, नहीं भगवान दास ने स्वयं कहा, वैष्णव ने कहा तुम ले आओ है। अरे वो तो वृद्धा है माता की माता से भी ग्रैंड मदर की भांति है 80 साल की है उससे दोस्त क्या है। किंतु महाप्रभु बस स्वतंत्र शिक्षामय पुरुष स्वतंत्र ईश्वर भगवान। हम भी एक बार गुरुदेव की इस संदर्भ में क्या बोले पूछा था कहाँ नवदी धाम परिक्रमा के समय हम जाते थे इस प्रसंग में पूछा था ये हरिदास ठाकुर के अपराध के है। महाप्रभु गुरुदेव ने कहा अच्छा इसमें प्रभुपाद और भक्तिमान ठाकुर क्या कमेंट्री लिखा, कुछ नहीं लिखा नहीं आप पढ़ लिखो नहीं उस प्रसंग में तो लिखा लोग शिक्षा देते प्रभु एहन एहन व्यवहार छोड़ दिया। हरिदास ठाकुर क्या अपराध क्या था तो हम गुरुदेव मैं गुरुदेव जी मुखरे से जो सुन रहे आपको बता रहा हूँ जो जो अपने आप बोलते रहे। गुरुदेव कह रहे देखो जब प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद नहीं कुछ बोले कुछ बोलना ये अपराध हो जाए। मैं गुरुदेव को मुखारविंद डायरेक्ट सुनता मेरे गुरुदेव ने कहा वाहन कृष्ण कुछ कहना नहीं क्यों है भाई अपने तो बोलोगे अपने मन की भावना से कहोगे है। जब चैतन्य चैतन्य अनुभाष में नहीं लिखा गया तुम क्यों पर कमेंट्री क्यों देते रहो है बोलो मत। स्वतंत्र ईश्वर स्वयं भगवान छोटा हरिदास के अपराध क्या लोग शिक्षा देना है बस आगे जाकर के लोग सहज ना हो जाए उसके बारे में तो भक्त ठाकुर ले जाए दूसरी बात किंतु अपराध क्या है इसके बारे में कुछ नहीं। हम अपने अपने कोई कमेंट्री दे दे तो कहीं जाकर के अपराध हो क्या कर वहीं तो लिख रहे हैं लोग शिक्षा होते प्रभु दवा स्वतंत्र ईश्वर शिक्षा स्वयं भगवान है किसके द्वारा क्या शिक्षा देना है नहीं देना है वो स्वतंत्र शिक्षा में पुरुष है उसके बारे में हम कुछ बोलते जाए तो अपराध हम तो उनसे भी बड़े नहीं हैं है? किंतु देखो रायरमंदिर के बारे में क्या बोलते जा रहे हैं महापुरुष स्वयं रायरमंदिर के गुण कीर्तन कर रहे है और पद्म मिश्र के द्वारा भी जगत में भी प्रचार कराया ये रायरमंदिर कैसे महान मुक्त पुरुष है महापुरुष स्वयं कारागंद से
रायमंद की जो है एक महिमा का काम है, ये सब तो दिखाया है। और रायमंद महाप्रभु के पास साथ मिलने के पहले ही उन्होंने जो कुछ ग्रंथ आदि लिखा है वो अभूतपूर्व है। महाप्रभु के साथ मिलने के पहले उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखा था, जैसे हम जो कीर्तन करते हैं कल युति नयनम दिशि दिशि बलितम पंकज मिव मृदु मान तुचे, ये अभिसरिका नहीं था, श्रीमती राज की अभिसरिका नहीं थे कि भाव नहीं पर व्यक्त हो रहे हैं। आज प्रकार के ये नायिका की जो भाव जो है शास्त्र वर्णन किए गए ना अभिसरिका में, ये श्रीमती राधिका कैसे कृष्ण के साथ मिलने के लिए कैसे जाती है, किस प्रकार भावना है किसकी उनके हाव भाव कैसे है, इसमें सब वर्णन होती जाती है। और उसी के जो है रायमंद क्या लिख रहे हैं, जमयति रुद्र गजाधिप मुदितम रामानंद राय कवि गदितम है, जनयति रुद्र गजाधिप मुदितम मुद्य मणि उनके आनंद देने के लिए है, गजपति है कि उनकी आनंद देने के लिए बा उनकी आनंद के लिए एक ग्रंथ लिख रहे हैं, माने कविता लिख रहे, कितना सुंदर महाप्रभु के साथ पास मिलने की बात। और उन्होंने ऐसे से सुंदर क्या बोले नाटक भी लिया जिसका जगन्नाथ बल्लभ नाटक हो, जगन्नाथ बल्लभ नाटक पढ़ो तुम्हारे विद्या में बिल्कुल आनंद उल्लास हो, राधा जी के विरह इतना सुंदर दिखाया गया है जगन्नाथ बल्लभ नाटक में, जिस कथ को चैतन्य महापुरुष स्वयं श्रवण करते थे है। इसे कहता है रायर नाटक आर स्वरूप गान विरहे कले दुहे राखो ये पुराण, चैतन्य महापुरुष जब गंभीरा में विरह में जब तड़पते थे चैतन्य महापुरुष सोचते थे मैं राधा और मेरा प्राण कंत गोविंद मुझे छोड़ करके मथुरा चले माथुर विरह है, उस समय रायरानंद और स्वरूप दामोदर महाप्रभु के भाव के अनुसार है सुंदर सुंदर श्लोक जो है कीर्तन करते है। स्वरूप दामोदर विद्यापति चंडीदास के जो है विरह की कीर्तन करते थे, और रायरानंद कम भी नहीं, रायरानंद ज्यादातर जो है अपने संरचित नाटक के श्लोक जो है महाप्रभु के सुना है, बहुत सुंदर उसमें जो मदनिका नामी कोई सभी है राधा जी को कैसे सांत्वना दे रही, बहुत सुंदर सुंदर सब कर रहे बिल्कुल गीत गोविंद के भांति उस उच्च स्तर की जो है भाव उसमें पड़ा है। मेरे कहने की तात्पर्य रायरानंद की साधारण नहीं थी है, महान कवि भी है, उसमें बड़े बड़े राजा लोग अपने सभा में बड़े बड़े कवि लोग के रखते थे, जैसे हम लोग सुनते हैं विक्रमादित्य के सभा में नवरात्र थे ना उसमें कालिदास आदि के नाम विशेष रूप में, उसी प्रकार प्रतापपुत्र रायमंद के जो है अपने सभा को भी स्थप केवल सदा सभा को भी नहीं है उनके भी राज्य शासन के भार भी उसको अर्पित कर दिया दक्षिण देश को है, दक्षिण जो भारत जो है उनकी कार्यभार भी सौंप गए हैं द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा है, वो क्या बोले कोहूर आदि उस स्थान के जो है उन्होंने शासनकर्ता के रूप में उनको भी निर्मित किया। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में आए तब सर्व भट्टाचार्य के उद्धार के पश्चात जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहने लगे कि मेरे बड़े भाई विश्वरूप सन्यास लेकर के दक्षिण देश गए, हम दक्षिण देश जा रहे हैं बड़े भाई के खोजने के लिए, ये तो ऊपर से एक बहाना मात्र है। वास्तव रूप में चैतन्य महाप्रभु जिस कारण से जगत में प्रकट हुए हैं उसको तो प्रकाशित करना है, क्योंकि राधा भाव कांदी तो लेकर क्या है ऐसे गुरु नहीं मिले तो भाव कैसे प्रकट कैसे होगा,
है। इसलिए रायरमंद जैसे महान भक्त की संग है तब तो भाग भाव ये सब भाव प्रकट होता है। ये सब गुप्त कथा है, गुरुदेव बता देते हैं, क्योंकि महत्व के संग बिना तो भाव कहाँ से प्रकट होगा। सजातीय आशय स्निग्ध सत्व बरे, सजातीय आशय स्निग्ध भक्त के साथ ही जो है भाव माधुर्य तब असाधन होता है, प्रकाशित होता है। इसलिए विशाखा देवी रायरमंद कौन कहा गया, विशाखा देवी है, और विशाखा देवी राधा जी की समस्या है। जिस दिन विशाखा जी के राधा जी के जन्मतिथि और विशाखा की जन्मतिथि एक माना जाता है, कहें कि शास्त्र में भी विशाखा जी के अनुराधा भी कहा जाता है, अनुराधा भी कहा जाता है। इसमें विशाखा देवी के संग बिना ये भाव कहाँ से होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ऊपर से कह रहे हैं मैं तो दक्षिण देश जा रहा हूँ विश्वरूप के खोजने के लिए, ये ऊपर की बात। और दूसरी बात है महाप्रभु दक्षिण देश यात्रा की भी और भी कारण बता रहे, जिस कारण से महाप्रभु आ रहे दक्षिण देश, इसलिए प्रेम धर्म भी प्रचार करना है, ये भी तो गौण कारण में आ जाता है, किंतु ये भी तो जरूरी है कि उस समय दक्षिण देश के लोग कुमत के द्वारा दूषित थे, शंकर महत्व के द्वारा दूषित, बौद्ध अनेक प्रकार महत्व के द्वारा वे लोग सब दूषित थे, कर्मी ज्ञानी योगी इस प्रकार अनेक लोग थे। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण काल में सब जगह में जाकर के सभी लोगों के उद्धार भी किया है। तो महाप्रभु जब जाने के लिए प्रस्ताव दिया तो सरू भट्टाचार्य भी बोले, प्रभु जब हम यहाँ पर रहते थे और रायरमंद यहाँ पर हम के सभा में जब आते थे, बड़ी बड़ी सभा होती थी ना, सब अद्वैत, हम लोग सब अद्वैतवादी लोग थे, शंकरपंथी है, दिन रात बस शंकर फिलोसफी लेकर के हम चर्चा करते थे, अहम ब्रह्मांड प्रज्ञान ब्रह्म सर्वम खलिदम ब्रह्म तत्व से ही लेकर के आलोचना करते थे। किंतु देखो रायरमंद जो हम लोग सभा में जब आते थे और उस सभा में उनकी सारी कथा में गोपियों की चर्चा होती थी, चर्चा करती थी, और रायरमंद सब सर्वभट्टाचार्य कहते उस समय हम लोग हंसी मजाक करते थे, क्या स्त्रियों की विचार आदि करते हैं, अरे स्त्रियों के नाम सुनना नहीं चाहिए, ब्रह्म होते हैं। किंतु रायरमंद बस उनकी सारी कथा में जितने भी कथा बोलते थे वो क्या बस, और सब वही गोपियों की कथा लिखी, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक को छेड़ देती थी, बस कैवल्य कई प्रयोजनम, बस इसी के ऊपर, और उन्होंने बस गोपियों की राष्ट्र के सर्वोत्तम भाव को प्रकाश कर दिया है। किंतु उस समय हम लोग उसके समझ नहीं पाए है, आज केवल सियार के भांति हम लोग सब भेग भेग भेगू करते थे, कौन सर्वों बटाए दीजिए कर इसमें आ रहे थे किंतु किंतु प्रभु आपकी कृपा से अभी समझ गए रायरमंद कैसे रसिक और महान भक्त है, वो आपकी जो रस माधुर्य की जो जानते हैं, रस की कथा आलोचना करने पर उसके उल्लास होता है, रस की उल्लास तब हृदय में होगा जिसके रस माधुर्य जो अनुभव है, रस कथा में ये जानते हैं, जिसके रस कथा में नहीं है वो क्या कहते हैं, जैसे हमारे कवि कर्णपुर कहते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण दिया कवि कर्णपुर, कवि कर्णपुर कह रहे हैं मेरा ये ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ, कवि कर्ण जो अलंकारिक ग्रंथ है, अरे मेरा कमरे में है, अरे जस्ट बोलते जा रहा हूँ, नहीं कवि कर्णपुर का नहीं, केवल अरे अरे मेरे कमरे में था सर, इतना बड़ा है वो, उसमें केवल अलंकार की तरह, अलंकार की तरह
समय पर याद नहीं होता है, है? उसको दाबी पड़ रहा था आज कभी करना वो उससे प्रिफेस में लिख रहे हैं कवि कर्णपुर उस प्रिफेस में लिख रहे हैं आनंद वृंदावन चंपो। हाँ आनंद वृंदावन चंपो ग्रंथ आनंद वृंदावन चंपो ग्रंथ है, इतने सुंदर मधुर ग्रंथ है। देखो इतने वर्णन होते जा रहे, अलंकार के तरह वर्णन होते जा रहे हैं। आप पढ़ो ना आपकी बहुत आनंद आया, केवल अलंकार अलंकार एक एक सेंटेंस जो है कम से चार पांच लाइन होगा, कितने अलंकार होते जा रहे हैं, अलंकार कितने सुंदर। तो उस ग्रंथ में लिख रहे हैं, मैंने मेरे ग्रंथ जो है जिसके रस माधुर्य की ज्ञान है वो केवल आस्वादन कर सकते हैं। आज में उसके जो कथा बोले हैं आपको बोलने में मेरा संकोच जाता है, प्रिवेश में संकोच, प्रिवेश में लिखते हैं एक शुष्क स्तनी। और उन्होंने क्या कि बाजार में गई अपने जो है कपड़ा जो है स्तन धारने के लिए कपड़ा खोजने के लिए, तो उनके बारे कोई नहीं मिला, तो वो आकर के वो क्या कि टेलर को गाली देने लगे, अरे अधिकतम है एक भी मेरे लिए कोई बना नहीं। तो उसमें कहता है उसी प्रकार जो है जिसके रस संबंधी ज्ञान नहीं है मेरे ग्रंथ की रस आसाधन कर नहीं पाए, और असर को चास और असर को काक से ज्ञान बिंब फले, जैसे हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन कर रहे हैं और असर को काक से ज्ञान बिंब फले। और जो भक्त कबीर जो है वो कहाँ बढ़ता है, प्रेमानंद आम्र के आम के पेड़ पर सुंदर सुंदर मुकुल आ जाते हैं छोटे छोटे, उसके रस आसाधन करता है। ये सब वर्णन रहे प्रिफेस में उन्होंने सेम लिखा गया है। आ जाते दो उदाहरण दिए बहुत सुंदर, क्या बोले सब कथा राय मेरे कहने उसी प्रकार जो है राय रमंद जैसे महान महाप्रभु स्वयं जो है रामचंद्र कृष्ण, इसे सारंग भट्टाचार्य स्वयं कह रहे हैं। हाँ ऊपर उसमें भी लिखा है और एक उदाहरण दे रहे हैं, ये देखो एक छोटा बालक है, एक छोटा बालक की सुंदर जीवती अपने प्रेम माधुर्य के द्वारा बार आंखों की इशारे के द्वारा है उसके लुभा नहीं सकते। एक युवती अपने आंखों की पलक के द्वारा एक युवक के जो है वो लुभा सकता है, किंतु वही युवती या छोटा बालक ही लुभा नहीं सकते। क्यों? उस युवक उस बालक के हृदय में अभी थोड़ा सा उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार जिसके हृदय में जब तक ये रस उत्पन्न नहीं हो हमारे ग्रंथ के रस माधुर्य जो आस्वादन कर नहीं पाए। बहुत सुंदर सुंदर प्रिफेस में पढ़ो प्रभास में पढ़ो तो आपको ऐसे किसी ग्रंथ में क्या चीज लिखा है, एक तो हृदय में आनंद भी होगा और हंसी भी आएगी। केवल अलंकार शास्त्र है, बड़े बड़े पंडितों की काम होगा ये शब्द की ऐसे से शब्द शब्द जो है कोष जो है उसके मिलना भी कठिन हो जाता है। आज भी ना दिन कहाँ काम करके संस्कृत के जो है श्लोक शब्दकोश सब निकल चुका है। उस ग्रंथ के वास्तव में यदि किसकी पढ़ना है शब्दकोश मैंने अभिधान डिक्शनरी उसको पास में रखना पड़ेगा, संस्कृत डिक्शनरी वास्तव पर, क्यों कहीं कहीं ऐसे शब्द जो है अपने मिली गए ट्रांसलेट करना तो और भी कठिन है शब्द जो है, क्योंकि ऐसे ग्रंथ जो है भाई ऐसे है। चलो हम तो यहां पे बोले और रायनवंद जिसका हम रायनवंद की कथा हम बताते जा रहे हैं। महाप्रभु सारंग भट्टाचार्य जी कह रहे हैं प्रभु आप जब दक्षिण देश में जा रहे हैं
जरूर इसे मिले है। वास्तव आपकी योग्यन योग्य जिज्ञते योग्यवान व्यक्ति योग्य व्यक्ति के पास बैठ करके रस आस्पूर्ण है तो महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण के जाए अनेकों स्थान पर भ्रमण किया जी और निसिंह आदि के पास इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर पहुँचे गोदावरी के तट पर पहुँचे और ठीक उसी समय रायरमणंद और पलक में बैठ करके गोदावरी में स्नान करने लगे और उनके चारों तरफ बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण मंत्र जप करते हुए विधिवत स्नान किया और मचे उस समय चैतन्य महापुरुष ने किया कि और उसी घाट पर स्नान करके थोड़ा घाट की छोड़ करके थोड़ी दूर पर बैठे और यहाँ पर भी लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने किया कि देखो वर्णन करें यहाँ पर लिखा है सूर्य समातांति वरुण वसान सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन। ऐसे चैतन्य महाप्रभु अपने सौंदर्य माधुर्य कैसे प्रकाश सूर्य समातांति वरुण वसन महाप्रभु सूरज के भांति सूर्य के भांति कांति के भांति सूर्य के भांति कांति उन्हें उज्जवल प्रकाश कर और इतने सुंदर से अरुण वसन और कैसे सुबलित प्रकांड देह और महाप्रभु के शरीर के विशाल है। महाप्रभु अपने हाथ से चार हाथ थे। सब मनुष्य अपने हाथ में कितने होता है आप अपने हाथ में कितने साढ़े तीन और महाप्रभु अपने हाथ में चार हाथ थे तो सुदीर्घ है। एक छोटा बच्चा भी अपने हाथ में कितना यहाँ से यहीं तक साढ़े तीन हाथ होगा ज़्यादा नहीं होगा है। आज जितने भी लंबे व्यक्ति हो है सब अपने हाथ में मारो सब कहेंगे कितना होगा साढ़े तीन हाथ थ्री एंड हाफ क्योंकि महाप्रभु अपने हाथ से तो महाप्रभु हाथ की तो लंबा है और चार हाथ तो इसे महाप्रभु कितने लंबे थे चार हाथ है देखो। और महाप्रभु के इतने सुंदर तप्त कांचन गोग्रंग कितना सुंदर और कमल नयन है आप कैसे है विकसित है कमल के प्रस्फुटित कमल के इतने सुंदर महाप्रभु है। और रायमंद विधिवत स्नान के पश्चात है चैतन्य महाप्रभु जय आलिंगन है और चैतन्य महाप्रभु जो आलिंगन करने लिए वैदिक ब्राह्मण सब आश्चर्य हो गए। ये तो सूत्र है कौन राय रमन में सूत्र है सूत्र के क्यों सन्नास हुई आगे सूत्र के क्यों करे आलिंगन चैतन्य महाप्रभु सन्नास है सन्नासी और सूत्र के जो दिखा है भाषा में है देखो वैदिक ब्राह्मण लोग समझ गए किंतु जब उस समय दोनों के जो मिलन होता है उस समय भी सुनते हैं रायरमंद के हृदय में उस समय तो विकार प्रसाद विकार नहीं होने लगे है द्वे द्वे आलिंगन कैला चैतन्य महाप्रभु रायरमंद आलिंगन है। भाव कितने सुंदर भक्त भगवान के मिलन में कितने आनंद होता है वो कौन वर्णन कर है। आज फिर आगे की कथा उसमें वर्णन करते हैं चैतन्य महाप्रभु है रायरमंद जी बोले है शाम को मिलेंगे। ठीक उसी समय एक वैदिक ब्राह्मण आकर के महाप्रभु के कहने प्रभु आज शाम को जो हमारे गृह में आप प्रसाद ग्रहण करें है। तब महाप्रभु के घर में जब प्रसाद ग्रहण किया और देखो रायरमंद जी है उनसे मिले और कैसे सुंदर वार्तालाप है। प्रभु का ये पड़ो श्लोक शास्त्रीय नहीं साध्य नहीं मान राय कहे स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति ऐसी कथा को नहीं चलने लगा है। बहुत सुंदर सुंदर कथा है समय तो हो गया महाराज जी बोली
इस कथा तो उसी प्रकार ये कैसे सुंदर कथा चलने लगी है। प्रभु कहे पर श्लोक साध्य निर्णय राय कहे स्वधर्म आचरणी विष्णु भक्ति है। महाप्रभु ने कहा साध्य निर्णय करो ये साध्य निर्णय के प्रश्न रायगोविंद कहाँ से प्रारंभ की है। वर्णाश्रम धर्म वर्णाश्रम आचर देवता पुरुषे न पर कुमार विष्णु आराध्य दीपंता नन्नत्व कारण है। वर्णाश्रम धर्म जब तक हम पालन नहीं करेंगे वास्तव रूप में शुद्ध बुद्ध में प्रवेश कर नहीं पाते। रायगोविंद स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे क्योंकि सहजा सुखी व्यक्ति अपसंप्रदाय के लोग वर्णाश्रम धर्म की जो है पालन करना नहीं चाहते हैं। नहीं रायगोविंद इसमें कह दिया नहीं वर्णाश्रम अजगता बता पुरुषे न पर कुमार विष्णु आराधते पंथा नन्नत्व कारणम है। विष्णु प्रसन्न कब होता है जब हम वर्णाश्रम धर्म पालन वर्णाश्रम आचरण पर पुरुष है ये देखा श्रुति स्मृति नारदादि पंचादि विधेयन बिना एकांतिक हरेर भक्ति उत्पादक ही केवल श्रुति स्मृति के दिए गए जो नारद पंचरात्र विधान दिया गया नियम दिया गया उस नियम के नहीं पालन करके उस श्रृंखल होकर के भजन करे वो भजन क्या होता है वो भजन नहीं होता है वो दूसरे के उत्पाद करते हैं और अपने की सोसाइटी को उत्पाद करते हैं और अपने भी भजन को नष्ट करते हैं। गद्य कहते हैं विधि मार्ग रत जने साधी स्वाधीनता रत्न दने राग मार्गे और आन प्रवेश विधि मार्ग में हम लोग चल रहे हैं। जब तक कोई विधि के नियम के नहीं पालन करें भक्ति कैसे हो जाए। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं जात नहीं कांडक ज्ञान तार भय दिव्यक ज्ञान कांडक ज्ञान होना चाहिए विधि के नियम करने कहते हैं मैं तो उत्तम अधिकारी की बात सब जानते हैं नहीं विधि के पालन कर आया समझ में अपराध हो जाता है सेवा अपराध हो जाता है। ठाकुर जी के बर्तन जो है उसे बर्तन के जल अपने पैर में मत लेकर पैर हो अपराध नहीं लगता है। आसन पुजारी कहते तो मैं ठाकुर की सेवा करता हूँ कोई बात नहीं नहीं विधि के चलना पड़ेगा है। समझ में आ रही कि नहीं पूछो उसको वो बाल्टी लेकर तो देखा ऐसे करना नहीं बहुत बड़ा अपराध है हमारे दूसरे मॉडल में बाल्टी फेंक दी थी हाँ नहीं अपराध होता है ठाकुर जी के बर्तन है आज भी हाँ दूसरी जो है अपने भोजन के थाली लेकर के रसोई घर में जाना ठाकुर जी के घर में जाना नहीं चाहिए। हम देख लेते थे बोलते हैं टूकते टोकते है तो हम नवद्वीप में थे हम लोग की उसी प्रकार सिखाया गया ऐसे नहीं हम देखे कि कोई ब्रह्मचर्य ले जाते हैं हम मेरे भी थाला ले जाते हैं मैं कहते ऐसे बने ऊपर आते अभी से मत ले रहे ठीक है आज तुम चमा कर दिया है ये समझते विधि को होना चाहिए ना भाई देखो अपराध होता है नहीं तो ठाकुर जी कहाँ ठाकुर जी फेंक देंगे। अरे रामानंद क्या बोले वो रामानुज जैसे है उनकी उखाड़ के फेंकी तुम कौन सा खेती की मूली है अपराध हो जाता है अपराध हो जाने से बस सच्चा इसलिए भाई देखो विचार करो ये ठाकुर जी की सेवा है पहले से भगवत बुद्धि तो रखे हम ब्रजवासी हो गए ऐसे नहीं है तो बने कितने जन्म लग जाए इसलिए महाप्रभु ने क्या कहा वृंदावन जाएंगे नारी के चिरकाल गोवर्धन चिड़िया ना दिखी भी गोपाल विधि मार्ग में चलना विधि मार्ग के देखते ही सब नियम पे चलना
तो उसमें कहीं तो अपराध हो जाए, तो इसलिए अज्ञान अज्ञान किसके कारण है, अज्ञानी अपराध है, क्या बोलते हैं, नालय कहू भगवान है, भगवान भी कृपा जो है अज्ञान को अपराध नहीं लेते है, लेते नहीं, किंतु संशोधन करते, सपाद मूलम भजत प्रेस तप्तानुभावस्व हरि परिस विकर्म जत पतित कथम थी धुनौती सर्वं हृदि सन्निविष्ट। भगवान क्या करते ये सोचना चाहिए, क्षमा कर देंगे, भगवान आपको पिटाई करके ठीक करके शोधन कर देंगे, क्षमा कर देंगे मतलब क्या है, पिटाई करेंगे, सपाद मूलम भजत प्रियस्व तप्तानुभाव हरि परिस विकर्म जत पतित कथम थी धनो धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्ट। भगवान शोधन ये समस्त विचार देखो, इसलिए हमारे ख्याल के जब कण के तब ये राय रमन के संवाद में पहले राय रमन कहाँ से शुरू किया, वर्णाश्रम धर्म से है, वर्णाश्रम धर्म से शुरू किया है, हम तो पहले विचार से नहीं, पहले ऊपर से चल गए, और ये नहीं वर्णाश्रम धर्म से शुरू है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं जो देश जितने परिमाण वर्णाश्रम धर्म पालन करते हैं वह देश उतना ही है भक्ति राज्य में प्रवेश करता है। और भारतवर्ष ऐसे देश है, भारतवर्ष से छोड़कर के और किसी देश में वर्णाश्रम धर्म आपको नहीं मिलेगा है। आप जितने देश भारतवर्ष में लिख रहे हैं, मैं नहीं करूँ, भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ में लिख रहे हैं ये भारतवर्ष ऐसे देखे जहां पर वर्णाश्रम धर्म, और भगवान के सारे अवतार कहां प्रकट हुए, ये भारतवर्ष में दिखा रहे भाई, कहते भारत भूमि के जन्म हुई लजार जन्म सार्थक करी करो करो कोटा है। भारतवर्ष में जन्म लेने कितने सौभाग्य की बात, बड़े बड़े देवता लोग भी प्रार्थना करते, श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है, देवता लोग कह रहे हैं ये प्रभु कृपा करके भारत भूमि में जन्म दिए हैं, और उस भारत भूमि में विशेष करके नवद्वीप धाम में जन्म कितना सौभाग्य की बात है। और फिर महा भगवान क्या करते हैं, महाप्रभु ने ऐसे ब्रज में वास भी दे दिए है, ये कौन है क्या, हमें कोई योग्यता नहीं है, भगवान ने क्या की है, देखो विदेश के लोग कैसे तड़पते रहते हैं, हमें मथुरा वृंदावन में वास हो जाए, पूछे कितने तड़प तड़पते करते ये पर रागी है, तड़प तड़पते रागी है ये लोग सब है, एक तो है वीजा की प्रॉब्लम, दूसरी है यहाँ पर क्लाइमेट की प्रॉब्लम है कि नहीं, हम तो यहाँ पर जन्म लिए हम तो किसी प्रकार से सहन कर लेते हैं, किंतु उन लोग के सहन करना कितना कठिन होता है। और फिर फिनेंशियल फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है कि नहीं आप बताओ, किंतु हम लोग के क्या दो हाथ में लगे है, कहीं नहीं वृंदावन में रखे थे सरल रूप में हम रह सकते हैं, किंतु विदेश के लिए रहना कितना कठिन होता है। इसमें तो कह रहे भारत भूमि के जन्म हई लजार जन्म सार्थक करी परो कोटा है। और विशेष करके जिन लोग के मथुरा वृंदावन गिरिराज गोवर्धन की सल्लाटी में जन्म कितना सौभाग्य हुआ है कि नहीं बताओ है, मातृघर में रह करके लोग गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, जो लोग गिरिराज क्या बोलते हैं गोवर्धन में जन्म लिया, देखो मातृघर में रह करके गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा कितना परिक्रमा किया है, ये कौन है क्या है। इसलिए भारत भूमि में जन्म लेना जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन वृंदावन है जमुना और राधा कुंड श्याम कुंड ये पर अनायास रूप में संत महात्म्य संग भी प्राप्त कर देते हैं। विदेशी लोग आते हैं कितने पैसा खर्च करने पर साधु संग प्राप्त होता है, तड़पते रहते हैं लोग रोते रहते हैं, हम लोग सहज रूप में प्राप्त हो जाते हैं इसलिए उसके कदर नहीं समझते। गुरुदेव कहते हाथे धोई पाते धोई और बोले कोई कही है, बंगला कथा गुरुदेव बोलते थे हमारे बोलते बांग्लादेश, देखो हम लोग के हाथ में भी दही है और
पत्थर में भी दही है और भी कुछ और कोई और लाओ और मैंने तत्पर्य यहाँ पर रख के हमने जितने सुजोग मिला और नहीं मिला है किंतु इसके जो है लाभ उठा तब तो होता है और नहीं लाभ उठाए तो बस उठा करके दूर देश फेंक देंगे तुम्हें काम इसलिए कि पहली श्लोक में करा वर्णाश्रम अचलता बता श्रीश्री न पर कुमान विष्णु आराध दे पंथा नन्नत तत्व कारण और कोई कारण नहीं विष्णु के प्रसन्नता ही तो भक्ति कहा जाता है ये भक्ति के तो भक्ति के पहले होता विष्णु प्रसन्न कैसे न वर्णाश्रम आचरण का पालन करने से विष्णु प्रसन्न होते हैं ये तो महापुरुष जो कह रहे यह बात अभी कहा ये तो बाहर की आगे की कथा हमें सुना क्यों महाप्रभु ये सुनना चाहते हैं जीव की जो स्वरूपानु स्वरूप अनुबंधित वृत्ति ये कृष्ण दासत्व सेवा वो अभी प्रकाशित नहीं हो रहा है वर्णाश्रम धर्म आदि पालन के द्वारा आपके जो स्वरूपानुबंधित स्वरूप अनुबंधित वृत्ति शब्द क्या बोले स्वरूप अनुबंधित वृत्ति स्वरूपानुबंधित वृत्ति प्रकाशित नहीं होगा चारी वर्णाश्रम में यदि कृष्ण ही भजे स्वस्थ कर्म पूरी से ही रोग में बड़ी बोली कोई चार वर्ण आश्रम ही यदि अपने वर्णाश्रम धर्म पालन कर कृष्ण भजन नहीं किया तो उसके नरक में जाना पड़ता है चारी वर्णाश्रम में यदि कृष्ण नहीं भजे स्वस्थ कर्म करते सही नरक पड़ी मजे चैतन्य भागवत का भागवत भी ऐसी श्लोक है जो ये संकुश नभजंती अभजंती स्थान भ्रष्टा पतंती अध श्रीमद भागवत में श्लोक है ऐसे भगवान के नहीं जान करके और उनके भजन नहीं करके केवल वर्ण आश्रम में रहते हैं तो उसके मृत्यु वस्त्र क्या होता है पतंती अध भजन ही हमारे मूल लक्ष्य है किंतु तथा भी भजन करने के साथ ही साथ विधि नियम के भी पालन करना पड़ेगा विधि नियम जो किया है उसको देखना पड़ेगा इन विचारी वर्णाश्रम यदि कृष्ण ही भजे सकर्म प्रति से ही रौरव रौरव नाम के नरक इसमें वर्णाश्रम धर्म किंतु महाप्रभु ने क्या कहा यह वाच्य यह बहसी बात हमें आगे की कथा सुना क्यों यह पर जीवों की जो स्वरूपानुमित वृत्ति प्रकाशित नहीं हो रहा है तो उस समय रायनंद ने कहा फिर क्या कहा अर्जुन सर्व कर्म अर्पण जो कुछ है सब भगवान के दिल है जत कुरुषि जत ऋषि जदाशी जत जत पुरुष मत अर्पण कर्म त्याग उससे भी महाप्रभु कहते हैं यह बात ये भी नहीं हो रहा और सर्वधर्मान प्रत्यक्ष सब कुछ तक भगवान ने सब शरणागति बोले ये भी नहीं है गीता के सर्वोच्च जो वाक्य जो है क्या है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं स्वरूपाभ्यो मोक्ष्यामि मास्च और वही कृष्ण महापुरुष के रूप में आकर के क्या बोले बोले यह वच है ये भी बाहर का है ये भी नहीं क्योंकि यह पर अभी भी स्वरूपान स्वरूप अनुबंधी वृत्ति अभी प्रकाशित है यदि कहते ये भी बात है इसके बाद एक एक करके जब है सर है कर्म समर्पण और इसके बाद सर्व कर्म त्याग सर्वधर्म हो गया फिर कहा महाप्रभु तो फिर आने ज्ञान मिश्र भक्ति तक भी पहुंच गया कभी महाप्रभु कहने यह बात ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न काम करती समय सर्वोच्च भूतेशु मद भक्ति लभते पराम ये भी स्वरूपानंद वृत्ति अभी प्रकाशित नहीं है फिर क्या कहा यह बात जो अभी पर राय कहे ज्ञान सुनना भक्ति ज्ञान सुनना भक्ति के बाद चैतन्य महाप्रभु ने यह
ज्ञाने प्रासे मुद्वसनमंते एवं जीवन्ति सर्व संकृत्यां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिकथां तनुवां नवी जो प्रयासो अजित जीतो काम ब्रह्म स्थिति में आ रहे है। यहाँ पर महाप्रभु क्या कहा, यह है आगे कहा, क्योंकि जीव को भी यहाँ पर आकर के स्वरूप अनुबंधी वृत्ति धीरे धीरे प्रकाशित हो रहा है। इसमें है कैसे न कथा श्रवण ज्ञान की जो निर्दिष्ट निर्भेद ज्ञान को त्याग देकर के एकमात्र भगवत तत्व युक्त ज्ञान और आत्मतत्व ज्ञान को आश्रय करना है। तत्पदार्थ तम पदार्थ ज्ञान तीन प्रकार के ज्ञान के बारे में होते हैं, तत्पदार्थ तम पदार्थ और जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान के तहत देवी के प्राथमिक रूप में है इन द बिगिनिंग क्या चाहिए, भगवत तत्व ज्ञान है। एते चंग से बलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवत तत्व ज्ञान है। और आत्मतत्व ज्ञान है, मैं कौन आत्मा के बारे में भी जानते, आत्मा के धर्म क्या है, जैसे गीता में मामा बांग से जीव होती जीव उपना आत्मा ज्ञान है। और भगवत कथा में जब उसे सुनने की रुचि होता है, हरी कथा रुचि ना हुई ले पंड से श्रम, ये कथा में जब हमारी रुचि हो जाता है तब समझना चाहिए ये हम कुछ भगवान भक्ति में हम प्रवेश कर रहे हैं। अनेकों जन्म की स्वीकृति होने पर भगवत कथा में रुचि होता है। इसमें भी लिख रहे हैं उन वास्तव में लिखा है बहुत सुंदर है, ये वास्तव जो है भक्ति की लक्षण तो ही बता दिया है। कथा में हमारी कितना रुचि है, किंतु महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे यह है आगे कहार राय कहे प्रेमा भक्ति सर्वसाध्य सार है। महाप्रभु यहाँ पर यह बात यह कहा बोले इसको मैं ग्रहण करूँ, क्योंकि भक्ति अभी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन बंदन दास सबका आत्मनिवेदनम यदि पुंसार पिता विष्णु भक्ति से नवलक्षण है। पहले भक्ति क्या है, श्रवणार्थ भक्ति है, जितने शुद्ध श्रवण होगा उतने ही परिमाण शुद्ध कीर्तन होगा, और जितने परिमाण हम शुद्ध कीर्तन करेंगे उतने परिमाण स्मरण होगा है। यही तो कह दिया श्रवण शुद्ध होने चाहिए, श्रवण शुद्ध हो तो कीर्तन शुद्ध हो, कीर्तन शुद्ध होगा कीर्तन शुद्ध शुद्ध हो तो स्मरण शुद्ध। ये यहाँ पर ऐसे सुन इसी पर भक्ति के आगे जा कहते हैं भक्ति दो प्रकार की है, कर्म की क्या बोलते हैं, एक वैदिक भक्ति एक रगानुग भक्ति, जिस भक्ति के बारे में चेतन चैतामृत में है आलोचना कर रहे हैं। बहुत सुंदर ये सब कथा है, चैतन्य महापुरुष स्वयं रागानंद के हृदय में है उनके सब कुछ देख करके और उनके मुखारविंद से ये सब कथा सुन रहे हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहली जो है प्रवेश श्लोक में क्या लिखा है, संचार च रामाभिध भक्त मेघी सभक्ति सिद्धांत है चमृतानी गौर अब्धि गौराब्धि ते अमुना वितरणी तत्व प्रजाति। ये संचैतन्य महाप्रभु रागानंद के हृदय में अपने सारे तत्व को प्रकाशित करके है और उसी के जो है आसादन कर रहे हैं, जिस प्रकार समुद्र के जल सूर्य किरणें के द्वारा घनीभूत होकर वस्तुत होकर के बादल धारण करते हैं, बादल होता है और वही बादल समुद्र में बरसाती है और उससे उस समुद्र में क्या रहता है, अनेकों रत्न आदि रहता है। ठीक उसी का चैतन्य महाप्रभु रायमंत के हृदय में सब कुछ है प्रेरणा दे करके उनके हृदय से वही कथा श्रवण कर रहे हैं, जगत ही को जो है वो कथा वितरित करें। मंशा देवता सिंह देव पतिता मन पावन भो वही गो प्रेमानी जय श्री महाराज के दे दो महाराज जी श्रवण कराएंगे।
इच्छा के लिए। चलो भैया, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। बोलो राय रामानंद की जय। तदीय शिव प्रभात की जय जयकार हो।